सरबत खालसा के दौरान नियुक्त किए गए श्री केसगढ़ साहिब जी के जथेदार भाई अमरीक सिंह अचनारा की तरफ से जथेदार ध्यान सिंह मन तथा भाई बलजीत सिंह दादूवाल से किनारा कर लेने का मामला सामने आया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मौजूदा जथेदार भाई अमरीक सिंह अचनारा ने कहा कि पंजाब में पिछले समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का दौर चल रहा था, जिसके कारण सिख संगतों द्वारा सरबत खालसा बनाया गया था। उस दौरान जथेदार नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि वह जथेदार की सेवा निभाने के योग्य नहीं है। साथ ही कहा कि जथेदार नियुक्त करने का अधिकार सरबत खालसा तथा सिख कौम के पास है। वह इस औहदे के लिए किसी योग्य सिख को जथेदार बना सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सन 2015 पंजाब दी धरती ते वख वख जगह ते धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दी पावन सरूपां पोथियां सेंतियां दी बेअदबी दा एक बहुत ज़्यादा घटिया दौर चलिया। देश विदेश विच वसदियां गुरु नानक नाम लेवा संगतां दे मनां विच बहुत ज़्यादा वड्डा एक रोस पैदा होया। ये रोस वधदा वधदा 10 नवंबर 2015 नूं सरबत खालसा दा एक रूप धारण कर गया। सरबत खालसा दी स्टेज दे उपर सिख कौम दे हक दे संबंध विच मतियां दा ऐलान भी होया। उस स्टेज तो सरबत खालसा की स्टेज तो चार जथेदारां दी जथेदारी का ऐलान होया। उहदे विच दास का नाम भी शामिल सी, पर बनाउण दे संबंध विच सिख कौम दीआं पंथ दीआं कुछ भावनावां सन। कुछ भावनावां रख करके सिख कौम ने सानू कौमी जथेदार तख्तां दी जथेदारी दे नुमाइंदे वजों सानू नुमाइंदगी करन वास्ते उन्हां ने सेवा दा मौका बख्शिया। पर मैं अपने वल्लों अपनी कारगुजारी ते अफसोस करदा, पर जदों सानू जथेदारी देण लगे सन मैं मना कीता सी कि मेरे विच योग्यता नहीं कि मैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब दी जथेदारी निभा सकां। पर उन्हां ने कहा नहीं, तुहानू असी सेवा देनी आ। उन्हां दी दित्ती होई सेवा दास ने स्वीकार कीती, प्रवान कीती। पर मैं किसे ते किंतु परंतु ना बनाउण वालिआं ते ना मैं अपने सहयोगी जथेदार सिंह साहिबानां दे उपर कोई बयानबाजी जां अड़जान लाउणा नहीं, मेरे वास्ते बहुत गलत होवेगा। मैं अपनियां अणगहलियां हर पासे तो मैं ना पूरा देख करके मैं अपनी जिहड़ी जथेदारी आ आउण वाले समें दे विच जिहड़ियां मीटिंगां होणियां उहदे तो मैं अपने सहयोगी जथेदार सत्कारयोग सिंह साहिब भाई ध्यान सिंह जी मंड कार्यकारी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, इसे तरह सत्कारयोग सिंह साहिब भाई बलजीत सिंह जी दादूवाल जथेदार तख्त श्री दमदमा साहिब, इन्हां नूं बेनती कर दित्ती है आउण वाले समें दे विच जिहड़ियां मीटिंगां करनियां मैं उन्हां दे विच शामिल नहीं हो सकदा। क्यों? मेरे विच समर्था नहीं, मेरे विच कोई योग्यता नहीं। मैं बहुता समां इस जथेदारी दे अहुदे ते रह करके मैं सेवा कर सकां। मैं अपनियां ऊणताइयां अपनियां अणगहलियां अपने विच ना योग्यता समझदा होया मैं इस अहुदे तों संगतां वल्लों हथ जोड़ करके मैं खिमा मंगदा। बाकी ये अहुदेदारी सानू संगतां ने दित्ती सी, संगतां जिस नूं वी योग समझदियां होण मेरी जगह ते कोई नवां जथेदार उन्हां ने बनाउणा होवे, मैनू कोई इतराज मैनू कोई नाराजगी मैनू कोई गिला शिकवा नहीं होवेगा। ये हक सरबत खालसे दे ने, समुचे पंथ दे ने, ये अधिकार सारी सिख कौम कोले ने। ओ जिहनूं मर्जी नवां जथेदार बना सकदे आ। मैं झूठी तुम ताई किसे ते लाउणा नहीं चाहुंदा, ना प्रबंधकां दे उपर ना मेरे जिहड़े सहयोगी जथेदार, मैं उन्हां दे उपर कोई झूठी बयानबाजी नहीं करना चाहुंदा। मेरियां कमजोरियां सी ओह मैं अपनियां कमजोरियां सारियां संगतां दे नाल साझियां कर दित्तियां कि जिस भावना नूं लै करके मैनूं उन्हां ने चुणिया सी मैं भावना ते खरा नहीं उतर सकिया, इस करके मैं अपनियां कुताहियां दी
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।